बदलती जा रही है, अकल वही की वही है, अकल में कोई परिवर्तन नहीं है। दुख हद से ज्यादा है, कभी रोने का मन होता है, कभी सबको छोड़कर भाग जाने का मन होता है, कभी मन पछताता है कि गृहस्थी में खाम खाम फंस गए, शादी न करते तो अच्छा था, कभी मन सोचता है अगर पुरुष होते तो गुरु जी के साथ चले जाते, वहीं सुखी रहते, चंवर डुलाते रहते। लेकिन जो पुरुष हैं वो क्या सोचते हैं कि अगला जन्म मिलेगा तब गुरु जी के साथ चले जाएंगे, इस जन्म में तो बहुत माया जाल में फंस चुके हैं। कभी तुम नशा के जाल में फंस जाते हो, कभी नाना प्रकार की व्यसन और बुराइयों के चंगुल में पड़ जाते हो, कभी आलस्य आकर के तुमको कर्तव्य के पथ से विचलित कर देता है, और कभी लोभ और लालच तुम्हें बहुत ऊंचाई से नीचे नरक के कुएं में ढकेल देता है। कभी तुम अहंकार की चट्टानों से टकराते हो, और कभी तुम क्रोध की ज्वाला में रात दिन जलते रहते हो। इस माया की बाजार में धीरे धीरे मन चंचलता की ओर बढ़ता जा रहा है, वाणी चिड़चिड़ी होती जा रही है, चिड़ियां तो कब बोलती हैं, लेकिन आदमी स्वयं इतनी बड़ी चिड़िया बन जाता है, रात दिन चिड़चिड़ाता रहता है। कौवा तुम्हारे छत की मुंडेरी पर आकर बैठने में शर्माता है, क्योंकि घर ही के लोग बड़े बड़े कौवा बनकर सुबह से लेकर शाम तक काँव 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 करते रहते हैं। जिस घर में देखो उसी घर में शोरगुल मचा हुआ है, हल्ला मचा हुआ है, सब चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, किसी की कोई सुनना नहीं चाहता है। कभी मन नाराज हो जाता है, दो चार घंटे तुम बोलते नहीं हो, मुंह बंद करके बैठ जाते हो, फिर जब दिखता है कि मजबूरी है बोलना ही पड़ेगा तो फिर चिल्लाते हो। कभी कभी तुम अपनी पत्नी से रूठ जाते हो, दो पांच दिन एक साथ कमरे में सोते भी नहीं, दूसरी जगह सो जाते हो, दो पांच दिन में गुस्सा ठंडी हो जाती है, फिर जाकर पहले से ही उसी कमरे में लेट जाते हो जिसमें पत्नी लेटती है। पत्नी भी समझती है चलो सुबह का भोला शाम तक घर को वापस आ जाए तो भोला नहीं कहा जाता है, चार दिनों से मुंह फुला कर बैठे थे पति देव, पांचवें दिन आकर के ठिकाने लग गए, चलो धन्यवाद है। कभी कभी मन में बहुत विचार उठते हैं, मन में विचार आता है कि हम भी कुछ समाज की सेवा करें, ये जिंदगी व्यर्थ में ही जा रही है।
कहां तक ये चिंता और दुख में डूबे रहेंगे। चलो पिकनिक मनाते हैं। पिकनिक एक मनोरंजन है। पिकनिक मनाने से किसी को आज तक शांति नहीं मिली। सिनेमा और पिक्चर देखने से भी सुख शांति का रिश्ता बहुत दूर तक नहीं। ये मनोरंजन के साधन हैं। कितने घरों में सुबह से लेकर शाम तक टीवी में फिल्म चलती रहती है। कभी खुद देखते हैं, कभी बच्चे देखते हैं, कभी कोई नहीं देखता है तो भी चल रही फिल्म। फिल्म देख करके भी तुम शांति नहीं पाओगे। इस पागल मन को भुलाने का प्रयास तुम कर रहे हो, मन बहलाने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए समझदार आदमी फिल्म कभी नहीं देखता है। जब देखता है तो प्रवचन देखता है, गुरु का चित्र देखकर दर्शन करता है। अपने घर के हर कमरे में, हर दीवार में गुरु की तस्वीर लगाता है और उनका दर्शन कर करके आशीर्वाद ले लेकर के अपनी चिंता और टेंशन को धीरे धीरे कम कर लेता है और प्रसन्नता के सागर को प्राप्त करता है। हीरो हीरोइन के फोटो लगाकर भी शांति नहीं पा सकते। श्रीदेवी हीरोइन दुबई में जाकर बाथरूम में डूब कर मर जाती है। जब हीरोइन को इतना दुख है, बाथरूम में डूबती है, मर जाती है। हीरो आत्महत्या करता है। सुशांत हीरो बॉम्बे में कमरा अंदर से बंद है, भीतर वो मरा हुआ है। हीरो और हीरोइन के जीवन में भी शांति जीरो है, सुख नहीं। ये हीरो हीरोइन जो खीसे काटते हैं, इनकी खीसे भी झूठी हैं। ये बंदर की खीसे हैं। एक्टिंग है, इसलिए उनको एक्टर कहते हैं। और जितनी एक्टिंग होती है ना, वो सब झूठी होती है। लोग झूठ मूठ कोई नाटक करते हैं तो तुम कहते हो, अरे एक्टिंग मत करो मेरे सामने, चलो हटो यहाँ से। एक्टिंग, एक्टिंग का मतलब है एक्चुअलिटी नहीं है, रियलिटी नहीं है, केवल दिखावटी है। अंदर कुछ और मामला है। अपनी जिंदगी को हीरो बनाओ, चरित्र को हीरो बनाओ। विद्यार्थी जीवन में डिक्टेंशन मार्क ला करके परीक्षा में हीरो बन करके निकलो। टॉप क्लास के साधु बनो, साधुओं की श्रेणी में तुमको हीरो माना जाए कि बहुत टॉप का संत है। ऐसी भक्ति करो कि भक्ति में भी तुमको कहा जाए, ये भक्त लाइन का हीरो आदमी है। ये झूठी एक्टिंग, झूठी सेटिंग, कंप्यूटर की डिस्टिंग मिक्सिंग, ये शांति नहीं दे सकती है। मन बहुत चालाक खिलाड़ी है। आज जैसा मन है ऐसा मन कल नहीं रहेगा। सुबह तुम्हारे मन के अंदर प्रेम का भाव उमड़ता है, दोपहर में क्रोध की ज्वाला धधकती है और शाम को तुम्हारे मन में पश्चाताप होता है और रात में तुम क्षमा मांगते हो। मन बहुत खिलाड़ी है ये, और जिसने मन को समझ लिया, जिसने मन को समझा लिया और जिसने मन को वश में कर लिया, वो व्यक्ति
इंसान के रूप में भगवान का अवतार हो।